क्वेश्चन नंबर वन, ये क्या है? डायरेक्ट मेथड का एक प्रॉब्लम करें अपन ने। डायरेक्ट मेथड क्या करना है? डायरेक्ट देंगे आप, बैलेंस शीट भी नहीं देंगे, डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट दे देंगे कैश सेल इतना है, कैश परचेज इतना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लेते अपन, यहाँ पे क्या लेते थे? डेटर क्रिएटर लेते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कल भी मैंने फ़र्क समझाया कि काय में खाली फ़र्क है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें फ़र्क है बस, और बाकी ये सेम है। तो चलो दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड द 31st मार्च। टोटल सेल बोला, टोटल सेल फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 1 लाख। टोटल सेल कितना है? टोटल सेल 1 लाख है, बट अपने को क्या होना, कैश सेल होना, क्रेडिट सेल होना। क्या नाम क्या है अपना? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो क्रेडिट सेल से कोई मतलब है क्या अपने को? नहीं, अपने को किससे मतलब है? पैसे से। पैसा किससे रहेंगे? मतलब कैश सेल से। 1 लाख के अंदर बोल रहा, आउट ऑफ विच कैश सेल 20,000 है। 1 लाख में से 20,000 क्या है? कैश सेल्स है। और क्रेडिट कितना है? 80,000 क्रेडिट सेल। इससे अभी कोई मतलब है कि अपने को? नहीं, ये होना था अपने को मेन, कैश सेल्स। तो वर्किंग नोट करना है, परचेज सेल, मैं बोला था ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के आइटम जो है उससे क्या करना है अपने को? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो वर्किंग नोट वन यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड, ये निकालना है अपने को कैश जनरेटेड। जो एडजस्टेड पीएनएल से निकालते थे वो क्या करना है? डायरेक्ट निकालना है। इनडायरेक्ट में कैसा करते थे? उल्टा निकालते थे। इसमें सीधा निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम, इसमें कैसे निकालना है? सीधा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले इनकम ले लेंगे, उसमें से एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस कर दिए। कैश सेल्स कितना? कैश सेल बोले अभी 1 लाख में से जैसा 20,000 कैश सेल कितना? 20,000। नेक्स्ट, कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टोटल रुपीज 70,000। कैश कलेक्शन हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स कितने का हुआ? 70,000। कल क्या करा था उसने? रिसीव पेमेंट दे दिया था। हाँ, कल क्या करा था उसने? रिसीव पेमेंट दिया था। आज क्या करा? एक दो मतलब बीट बाय बीट दिया, तो अपने को उसमें समझना है। और अपन डिफरेंस ले रहे क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 70,000। नेक्स्ट है थर्ड, कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब अपने क्रेडिटर रहते हैं, तो उनको क्या करें? पेमेंट करें, पेमेंट से लेस करने का। कैश पेड टू सप्लायर कितने का पेमेंट करें? एंड उसमें क्या है? कैश एंड इम्प्लॉयज ऑफ द इंटरप्राइजेस, एंड इम्प्लॉयज दोनों को मिला के पेमेंट कर दिए। कितने का? 45,200। इंटरप्राइज ऑफ द फोर्थ, फुल्ली पेड प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50,000 वर रिडीम्ड। रिडीम मतलब रिडीम बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करे के लिए। तो किधर आने वाला है? हर चीज़ यहाँ नहीं आएंगी। मैं क्या बोला, यहाँ पे हर चीज़ नहीं आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो आता था बस वही आएगा यहाँ, इनडायरेक्ट मेथड में। तो हर चीज़ नहीं आएंगी यहाँ पर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इनफ्लो आउटफ्लो, ये क्या वर्ड है? रिडम्पशन, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो कितने का? 50,000 माइनस 50। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 लाख
वेयर अलॉटेड एज अ फुल्ली पेड, अलॉट बोले तो इशू करें, अलॉट मतलब इशू करें, और वो भी कैसा, प्रीमियम पे इशू करें, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर विथ प्रीमियम। एक मिनट, मैं अभी प्रीमियम अलग से लेने का पड़ेगा। ये कितना है बोला, 1 लाख है ना, 1 लाख। इशू करने से पैसा क्या होता, आता, तो क्या हो गया, इनफ्लो। अब इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, विथ प्रीमियम लिखे तो चलेंगे यार, विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं नहीं मैं अलग से ले लेता हूँ इसको, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम कैसा, 1 लाख इंटू कितने परसेंट बोला, 5%। ये भी क्या हो रहा, आ रहा अपने को, शेयर्स इशू करें ना 1 लाख के, तो उस पर क्या हुआ, प्रीमियम मिला, तो क्या हो गया, इनफ्लो। नेक्स्ट, ₹12,600 वर पेड बाय इनकम टैक्स, टैक्स यहाँ लेते थे ना अपन, टैक्स पेड कितना बोला, 12,600, ये माइनस सिक्स, मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹2,20,000, कितने की है मशीन, बुक वैल्यू कितने की उसकी, 2,20,000 की, और बोल रहा है वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹20,000, क्या बोला, लॉस हो रहा उसके ऊपर, जब सेल करा तो क्या, कितने का लॉस हुआ, 20,000 का, इसका मतलब कितने में बेचाऊंगा, ये अपने को हिडन निकालना पड़ रहा। हाँ, वेरी गुड, ये दे दिया हमने बीच में, आगे का दे दिया, आगे की स्टेप, लॉस कितने का, ₹20,000, ये बीच का जो है बेचा कितने में वो निकालना पड़ेगा, सेल, ये कैसा निकाले अपन ने, बैलेंस करके निकाले, बैलेंसिंग फिगर कितने का, 2 लाख का। अब कैश फ्लो में लॉस से पैसा आता जाता क्या, नहीं, तो ये भी काम करनी है अपना, और ये तो कॉस्ट रहती है, ये कुछ काम करेगा नहीं, तो किससे पैसा आएगा अपना, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन ना, सेल ऑफ मशीन 2 लाख ना, सेल कितने का, 2 लाख का, इनफ्लो, सेल से क्या होता, पैसा आता। नेक्स्ट, एंड अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹80,000, और न्यू मशीन क्या करें, खरीदे 80,000 की, परचेज ऑफ मशीन कितने की, 80,000, तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो। नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹15,500 वॉज पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट क्या करा, पेड करा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, थोड़ा सा इसको तो मेरे को करना पड़ेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितने का, 15,500, डायरेक्ट लेना है, कोई डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि नाम ही इसका डायरेक्ट मेथड है। डिविडेंड 8, डिविडेंड टोटलिंग ₹40,000 वॉज पेड, डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी, डिविडेंड पेड करें, किसको देते डिविडेंड, हाँ, और शेयर होल्डर कहाँ पे, ये हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड किसको देते, शेयर होल्डर्स को देते, तो उनसे रिलेटेड ही है डिविडेंड पेड, कितने का डिविडेंड पेड करें, कितने का, 40,000 आउटफ्लो। नेक्स्ट, हाँ, पेड इक्विटी शेयर्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट 5%, डिविडेंड जब देते ना शेयर होल्डर्स को तो कुछ टैक्स लगता,
तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स ऐसा बोलते हैं। तो 15% ये डिविडेंड पे कितना, 15% टैक्स, डिविडेंड टैक्स 40,000 पे, ये 40 पे हाँ, इंटू कितना 5, 15% ले लो कितना आ रहा, 6,000 देख लो, 6,000। नेक्स्ट, एट द बिगनिंग ऑफ द अबव पीरियड, बिगनिंग मतलब कब, कौन सा, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग हाँ, एट द बिगनिंग ऑफ द अबव रिपोर्टिंग पीरियड बैलेंस विद द बैंक एंड कैश ऑन हैंड टोटल ₹1,50,000। ये क्या करते, वैसे भी अपन प्लस करते। आज क्या करा उसने क्लोजिंग, अब हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज क्या करा उसने, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया अपने, तो ये अपने क्या करना पड़ेगा, रिसीप्ट में से पेमेंट माइनस करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। रिसीप्ट में से पेमेंट माइनस करो तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलो ओके, देखते हैं पहले ये होना अपने कितना आ रहा है, ये टोटल 90,000, इसमें से ये माइनस कर लो तो क्या आ जा रहा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कल का कंप्लीट करो, हो रहा है नमाज, नहीं हो रहा ना, बस ठीक है हाँ, 44,800 ठीक है ना, तो वो कर लो कंडीशन 44,800। ये कहाँ जा रहा, यहाँ पे आ जाएगा 44,800 वर्किंग नोट 1, इसमें से क्या करते अपन, ये माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो, 32,200, इसका कितना आ रहा, 120, 20, इसका कितना आ रहा, फाइनेंसिंग 1,00,000, हाँ 1,00,000, माइनस में आ रहा 6,500, देख लो एक बार फिर से, 1,500 उसमें से 50 माइनस करो, 50,60,65 सब 50 और 40, 1,00,000, 1,00,000 ये कैंसिल हो गया, छः 5,000 देख लो एक बार, इससे कर लो ना एक बार, वही बोल रहा हूँ, अरे ला लो ना कैलकुलेटर, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्लस में 1,05,000 1,05,000
चल ठीक ठीक है। अभी क्या करना है, मैं रिसीप पेमेंट बना के बताता हूँ, वो एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट 32,200, समझो ये ब्रॉड डाउन है ना, ये क्या 1,50 ब्रॉड डाउन, और ये 1,20, दूसरा और क्या है प्लस 32,200, ठीक है। पेमेंट कितनी है, बस ये की है 6,500, एक ही पेमेंट है ना, इसमें से ये माइनस कर दो, अच्छा 2 में से 80 का तो 1,20 ना, 2 में से 80 का तो 1,20 ना, हाँ इधर 6,000, ये 1,50, इसमें से ये माइनस कर लो तो कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। दो लाख 700, 2,95,700। एग्ज़ाम में आप कैसा करेंगे ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, खाली डायरेक्ट क्या करेंगे, रिसिप्ट ऐड करेंगे और ये पूरा रिसिप्ट ऐड करेंगे, पेमेंट माइनस करेंगे और ये आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये कैसा निकाले अपन ने आज, बैलेंसिंग फिगर करके, क्योंकि एक क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ये। दो लाख 95,700, ठीक है। नील हो रहा है ना, फिर बाद में नीली हो रहा ना, लास्ट में नीली हो रहा। ये दोनों अभी इक्वल आ गए ना, ये और ये इक्वल आ गए, नील हो रहा। ये तो माइनस करना है।